हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर एंड दैट चैप्टर इज कैलोरीमेट्री। तो बच्चों, कैलोरीमेट्री अगर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दिस कम्स इन रिलेटिवली इजी कैटेगरी। अगर आपको इसको समझ में आ चुका है, एक बार आप समझ गए कि कैसे इसे सॉल्व किया जाए, तो फिर उसमें ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस एक बार इसे कॉन्सेप्ट 100% क्लियर कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, फिर ये आपके पास लाइफ टाइम बना रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं कैलोरीमेट्री को। तो सबसे पहले, जैसे कि हर नए चैप्टर में करते हैं, इसमें भी करेंगे, नए टर्म्स देखने वाले हैं, नए नाम देखने वाले हैं, यानी कि नामकरण संस्कार करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हीट की। व्हाट इज हीट? तो हीट इज एनर्जी फ्लोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनादर पॉइंट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाती है, दैट इज हीट। अब देखो, हीट की एक यूनिट होती है कैलोरी और दूसरी होती है जूल। तो सवाल एक बनता है कि यहाँ पर दो यूनिट की क्या ज़रूरत पड़ गई, और ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। तो पहले क्या माना जाता था कि जो हीट है, हीट इज़ टोटली डिफरेंट फॉर्म एंड वर्क एंड एनर्जी। वर्क और एनर्जी जो होती है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट फॉर्म। तो इसके लिए यूनिट क्या डिफाइन की गई, दैट इज़ जूल, और हीट के लिए उसको डिफाइन किया गया कैलोरी से। फिर बाद में धीरे धीरे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, तब जाके रियलाइज़ हुआ कि हीट और वर्क और एनर्जी ये सब एक ही फॉर्म है, बेसिकली एनर्जी के ही फॉर्म हैं। तो कैलोरी और जूल फाइनली देख सकते हैं कि ये क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। ये बेसिकली एक ही टर्म को, एक ही फिजिकल क्वांटिटी को दिखा रहे थे, तो दैट्स वाई उनके यूनिट्स भी सेम होनी चाहिए। इसका मतलब कैलोरी और जूल भी जो हैं वो सेम ही यूनिट्स को दिखाने चाहिए, सेम ही फिजिकल क्वांटिटी को दिखाने चाहिए। फिर बाद में इसका रिलेशन हमारे पास बना कि कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.18 जूल, और अप्रॉक्सीमेटली हम इसे 4.2 जूल भी ले लेते हैं। अब कैलोरी को डिफाइन कैसे किया गया है, ये देखें। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड एट 1 एटीएम प्रेशर इज 1 कैलोरी। इसका मतलब 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसे वाटर को गर्म करने में ली गई हीट, दैट इज 1 कैलोरी। और ध्यान दें, यहाँ पर है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर, कि 1 ग्राम वाटर का 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चेंज करने के लिए 1 ATM पर जितनी हीट ज़रूरत होगी, दैट इज़ कॉल्ड 1 कैलोरी। ठीक है, तो ध्यान देना, ये 1 ग्राम के लिए होता है। ठीक है, आगे हमने देखा दैट इज़ मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। अब ये क्या है, तो देखा गया पहले आपके पास हीट जो है या खुद अलग फॉर्म में चल रही थी, वर्क जो है खुद एक मैकेनिकल फॉर्म का है, आपके पास एक फॉर्म है, बेसिकली दिस इज मैकेनिकल एनर्जी का एक फॉर्म है। तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, दैट इज हाउ मच वर्क आउटपुट कैन बी अचीव्ड फ्रॉम 1 कैलोरी। 1 कैलोरी से कितना वर्क आउटपुट हम अचीव कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हम देख रहे हैं, दैट इज स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दोनों एक ही टर्म को डिफाइन करते हैं। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू हीट गेन्ड और रिलीज्ड बाय सब्सटेंस टू राइज अ फॉल इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर यूनिट मास। कि यूनिट मास को 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो ज़रूरी हीट है, वो है स्पेसिफिक हीट। तो देखो, आपके पास लेट अस से एक एम मास का ऑब्जेक्ट था, और यहाँ पर क्यू हीट दे दी गई, ठीक है, और इसकी वजह से इसका टेम्परेचर चेंज हुआ है, वो हुआ है डेल्टा टी। तो एस क्या बोलता है, अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को एस से इंडिकेट करते हैं, तो एस की वैल्यू ये क्या हो जाएगा, हीट पर यूनिट मास पर यूनिट टेम्परेचर। तो यहाँ से बन चुका है हीट क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी, और इसको अगर एलएचएस में ले गए
तो क्यू इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। तो यहाँ से एक रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास बना है कि अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्यू की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव होगी। इसका मतलब बॉडी हीट रिलीज करने वाली, हीट गेन करने वाली है और हीट अब्जॉर्ब करने वाली है, तो उसकी वैल्यू यहाँ से ले सकते हैं। इसी तरह से डेल्टा टी अगर नेगेटिव है तो क्यू भी नेगेटिव होगा, इसका मतलब बॉडी हीट रिलीज कर रही है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से स्पेसिफिक हीट की अगर बात करें तो एस का यूनिट क्या होगा, तो यूनिट के लिए देखें क्यू ऊपर यानी कि जूल और नीचे मास है इसका मतलब किलोग्राम, और केल्विन या फिर इसको ले सकते हैं जूल किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड या फिर कैलोरी किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, इसको ग्राम में भी लिखा जा सकता है कैलोरी ग्राम केल्विन। ठीक है, ऑल दीज कैन बी द यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगला है हमारे पास हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। ये क्या बोलता है, इट इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लेट अस से देयर इज़ अ बॉडी जिसे हमने क्यू हीट दे दी और इसकी वजह से इस पर डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज हुआ है, तो हम लिख सकते हैं इसे अगर सी से इंडिकेट किया जाए तो सी की वैल्यू क्या लिखी जाएगी। देखो बच्चों, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पर कितना हो गया, डेल्टा टी हो चुका है, तो हमने क्या कर दिया, क्यू पर यूनिट टेम्परेचर इज सी। ठीक है, तो यहाँ से ये जो बनने वाला है ये इसकी यूनिट देख सकते हैं जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड या जूल पर कैलविन, इस तरह से आपके पास बनेगा, या कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड या कैलोरी पर कैलविन। तो अगर मैं यहाँ पर कंपेयर करता हूँ क्यू की वैल्यू, तो क्यू क्या लिखा जाएगा, सी डेल्टा टी, और अगर स्पेसिफिक हीट के लिए मैंने देखा था तो क्यू की वैल्यू कितना था, एम एस डेल्टा टी, और दोनों को अगर कंपेयर करें तो सी इज इक्वल्स टू एम एस। सी क्या है, दिस इज हीट कैपेसिटी एंड एस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। And m is mass of body. ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर इसका physical point of view क्या है, ये किस तरह से समझा जा सकता है। तो body की अगर heat capacity ज़्यादा होगी तो वहाँ पर वो ज़्यादा heat absorb करने की capacity रखता है, इसका मतलब 1 डिग्री temperature change करवाने के लिए उसे ज़्यादा heat हमें देनी पड़ेगी। तो यहाँ से देख भी सकते हैं कि C इज इक्वल्स टू क्यू बाई डेल्टा टी, और अगर इसको 1 कर दिया जाए तो सी की जो वैल्यू है वो क्यू के बराबर बन जाएगी। तो मैं देख सकता हूँ अगर सी की वैल्यू बढ़ रही है तो उसका मतलब हीट हमें ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो हीट कैपेसिटी इंडिकेट करती है बॉडी की हीट अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी को। नाउ एक और रिलेशन हमारे पास बना है, C इज इक्वल्स टू एम इन टू एस। सी इज हीट कैपेसिटी, m इज मास ऑफ द बॉडी एंड s इज स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी। ठीक है, एक और नई टर्म हमारे सामने आती है, दैट इज वाटर इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब क्या है, इट इज अमाउंट ऑफ वाटर विच रिक्वायर्स सेम अमाउंट ऑफ हीट फॉर सेम टेम्परेचर राइज एज दैट ऑफ बॉडी। ठीक है, तो एक बार इस डेफिनेशन को समझने से पहले समझते हैं कि ये ज़रूरत कब पड़ती है। तो लेट अस से हमारे पास एक कंटेनर है और उसे गर्म कर रहे हैं, साथ में अंदर मटेरियल रखा हुआ है जैसा कि यहाँ देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पर अगर क्यू हीट प्रोवाइड की गई तो ये जो क्यू हीट है वो कहाँ जाएगी, वो होगी एक तो कंटेनर को गर्म करने के काम आएगी प्लस इस लिक्विड को गर्म करने के काम आएगी। तो देखो यहाँ पर कंटेनर जो है, कंटेनर ऑब्वियसली बात है कि ये वाटर तो नहीं है, तो बेसिकली किसी मटेरियल का बना हुआ होगा। तो इसकी अगर हीट अब्जॉर्ब मुझे लिखनी है तो क्या लिखना होता है, एम एस डेल्टा टी, इसका मतलब इसका मास भी गिवन होना पड़ेगा, एस भी गिवन होना पड़ेगा और डेल्टा टी पता है तो मैं क्यू की वैल्यू तब जाके मैं लिख पाऊंगा। तो यहाँ पर इक्वेशंस में वेरिएबल्स बढ़ जाते हैं आपके पास अगर सिर्फ कंटेनर गिवन है। अब इसकी जगह इमेजिन करो कि इस कंटेनर का मुझे दे रखा है वाटर इक्विवेलेंट, और वाटर इक्विवेलेंट का मतलब सिर्फ इतना सा है कि वाटर इक्विवेलेंट का वो मास, मतलब वाटर इक्विवेलेंट इज वो वाटर का मास सच दैट
कि वो उतनी ही हीट अब्सॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा जितना कि कंटेनर करने वाला है। इसका मतलब जो कंटेनर की हीटिंग जो प्रॉपर्टीज थी वो उसका वाटर इक्विवेलेंट के बराबर होने वाली है। तो यहाँ पर अगर वापस डेफिनेशन पर आते हैं तो देखें, इट इज़ अमाउंट ऑफ वाटर विच रिक्वायर सेम अमाउंट ऑफ हीट फॉर सेम टेम्परेचर राइज एज दैट ऑफ बॉडी। तो अभी बहुत सिंपल सी बात समझ में आ चुकी है कि मान लिया मास ऑफ वाटर या इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है, एम डब्ल्यू, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर को डेल्टा एस डब्ल्यू लिखते हैं। अब बॉडी जो है, मास ऑफ बॉडी और उसकी स्पेसिफिक हीट को लिखता हूँ एस बी, और लेट अस से कि यहाँ पर इसका टेम्परेचर चेंज कितना किया, डेल्टा टी। तो देखो यहाँ पर भी क्या है, सेम टेम्परेचर चेंज करना है वाटर के लिए भी, तो इसका भी कितना होगा, डेल्टा टी। तो देख सकते हैं कि वाटर इक्विवेलेंट अगर ये है, मतलब एम ऑफ डब्ल्यू अगर इस कंटेनर या बॉडी के लिए वाटर इक्विवेलेंट है, तो ये दोनों हीट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो मैं देख सकता हूँ एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू एम बी एस बी, तो यहाँ से बन चुका है एम डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम बी एस बी अपॉन एम डब्ल्यू, और ये है सॉरी एस डब्ल्यू वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दिस बॉडी। ठीक है, अब इसका यूज़ कैसे करना है, इसको हम एग्जांपल के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो पहले समझ लें वाटर इक्विवेलेंट क्या है, कि द अमाउंट ऑफ वाटर जो कि सेम हीट आपके पास अब्सॉर्ब या रिलीज करेगा एज दैट ऑफ बॉडी। ठीक है, सेम टेम्परेचर राइज में सेम हीट अब्सॉर्ब या रिलीज करेगा एज दैट ऑफ बॉडी, वो जो मास बना है वाटर का, दैट इज़ वाटर इक्विवेलेंट। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द हीट सप्लाई टू द सब्सटेंस विच चेंजेस इट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड 1 atm इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कि 1 atm प्रेशर पर कोई बॉडी अगर अपने मेल्टिंग पॉइंट पर है तो उसे सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, दैट हीट इज लेटेंट हीट। नाउ यहां पर एक और टर्म होती है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के साथ में था, तो बिल्कुल यहां पर भी वही होने वाला है। तो लेट अस से किसी बॉडी को मेल्ट करने के लिए क्यू हीट चाहिए था और उसका मास था एम, तो एम मास को यहां पर हमने गर्म किया, यहां पर हीट किया, तो ये पूरा मेल्ट हो गया है। तो यहां पर स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो डिफाइन किया जाता है उसे लिखते हैं एल से, और एल की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, क्यू अपॉन एम, कि पर यूनिट मास कितनी एनर्जी इसको रिक्वायर्ड थी सच दैट कि वो मेल्ट हो जाए, दैट इज स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और क्यू की वैल्यू यहां से देखें तो वो बन जाएगा आपके पास एम इंटू एल। अब ये क्यू है क्या, एक बार सोचते हैं कि देखो जब बॉडी को गर्म कर रहे हैं तो लेट अस से पहले आइस था, आइस था -10°C पे, उसे ला दिया हमने आइस को गर्म करके 0°C। ठीक है, अब यहाँ पर मैं हीट दे रहा हूँ, उसके बावजूद भी मुझे टेम्परेचर चेंज होता हुआ नहीं दिखा, फिर और हीट दी, फिर टेम्परेचर चेंज होता हुआ नहीं दिखा, लेकिन क्या हुआ, दिख रहा है मुझे कि ये मेल्ट हो रहा है। तो इसका मतलब मुझे क्या दिख रहा है, कि मैंने हीट दी लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब हीट गायब होती हुई मुझे फील हो रही है, हीट गायब होती हुई फील हो रही है। तो लेटेंट हीट मतलब क्या है, लेटेंट हीट मतलब गायब होना, लेटेंट मतलब गायब होना। तो बेसिकली जो हीट दी वो गायब होते हुए फील हो रही है, लेकिन वो गायब नहीं हुई, वो क्या कर रही है, आइस जो है यानी कि सॉलिड है, और सॉलिड के पार्टिकल्स कुछ इस तरह से फिक्स्ड हैं, और इनको अगर मुझे सेपरेट करना है तो इनके यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और यही एनर्जी जो हमने दे रही है वो है लेटेंट हीट। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास Q इज इक्वल्स टू एम एल, एक फाइनल टर्म जो कि हमारे पास कई बार काम आने वाला है, बन चुका है। ठीक है, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, दैट्स वाई कई बार इसे एल एफ भी लिखा जाता है, एल के नीचे एफ लिख दिया। नाउ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, दैट इज द हीट सप्लाई टू द सब्सटेंस विच चेंजेस इट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एट 1 atm इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा एक स्पेसिफिक
लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एंड उसकी वैल्यू क्या लिखी जाएगी कि लेट अस से एम मास के ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर जो लिक्विड था उसे गर्म करके हम वेपराइज कर रहे हैं, तो कितनी हीट दी गई इसे, क्यू हीट दी गई। तो पर यूनिट मास कितनी हीट देने पर वो बॉयल हो रहा है या वेपराइज हो रहा है, तो मैं देख सकता हूँ क्यू बाय एम इज L, और वो कौन सा है, वेपराइजेशन का। तो यहां से लिखा जा सकता है Q इज इक्वल्स टू एम इन टू एल वेपराइजेशन। ठीक है, अब देखो L की अगर मुझे यूनिट देखनी है तो L इज Q बाय M एंड Q इज जूल और दिस इज किलोग्राम। तो ऐसा यूनिट आपके पास बन जाएगा जूल पर किलोग्राम, और बाकी यूनिट्स अगर देखना है तो जूल पर ग्राम वगैरह भी लिखा जा सकता है, कैलोरी पर ग्राम भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ क्या होने वाली, इसकी डिफरेंट इसका यूनिट्स क्या होने वाली। नाउ अगेन बात करते हैं कि ये बेसिकली है क्या। तो लेट अस से यहाँ पर एक कंटेनर था और कंटेनर में हमने रखा है लिक्विड और इसको गर्म कर रहे हैं, गर्म किया तो फाइनली लेट अस से या वाटर जो था, यहाँ पर वाटर लिया है और उसको हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुँचा दिया। अब जैसे ही 100 पे पहुँचा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे और हीट दिया, और हीट देने के बाद मैं देख रहा हूँ कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, लेकिन क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये वेपराइज होना शुरू हो गया। तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर जो फर्दर हीट दी गई वो इसके फेज़ चेंज करवाने के काम में आई है। तो मुझे यहाँ पर टेम्परेचर चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा, और टेम्परेचर चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा तो मुझे यहाँ पर हीट मतलब गायब होती हुई सी लग रही है। तो इसका मतलब यही जो लिखा जाता है लेटेंट हीट मतलब गायब होना। तो ये जो हीट जो अंदर गायब हुई वो बेसिकली लिक्विड पार्टिकल्स को एयर मॉलिक्यूल्स या वेपराइज करने के काम में आ गई है। तो और उसकी वैल्यू कितनी लिखी गई, एम इन टू एल। अब कुछ जो ये टर्म्स हमने देखी उनकी वैल्यूज़ वाटर के कॉरस्पॉन्डिंग हमें याद होनी चाहिए। तो स्पेसिफिक हीट वाटर के लिए लिखी जाती है 1 कैलोरी पर ग्राम, और अगर इसको किलोग्राम में लिखना है तो ये हो जाएगा 1000 कैलोरी पर किलोग्राम। ठीक है, आइस के लिए लिखा जाता है 0.5 कैलोरी पर ग्राम, स्टीम के लिए 0.5 कैलोरी पर ग्राम, और ये आपके पास स्पेसिफिक हीट है। दैट्स वाई लिख सकते हैं कि कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर भी पर डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज ऑल्सो पर डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज ऑल्सो पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टीम के लिए, वाटर के लिए और आइस के लिए ये जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यूज़ हैं वो आपको याद होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए, और कई बार क्वेश्चन में अज्यूम कर लिया जाता है कि ये वैल्यूज़ आपको पता हैं। ठीक है, नाउ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू बनती है दैट इज़ 80 कैलोरी पर ग्राम एंड दिस इज 540 कैलोरी पर ग्राम। तो देख सकते हैं वेपराइज करने के लिए पर ग्राम इतनी हीट देनी पड़ रही है, और अगर आइस को मेल्ट करना है तो इतनी हीट देनी पड़ रही है पर ग्राम। तो देख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है ये रिलेटिवली ज़्यादा है, यानी कि बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। तो देख सकते हैं कि किसी 1 ग्राम वाटर को अगर मैं वेपराइज करना चाहता हूँ तो इसको 540 देना है, और अगर मैं इसे 1 ग्राम आइस था और इसे अगर मैं इसको मेल्ट कर रहा हूँ तो 80 कैलोरी से प्रोवाइड करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो देख सकते हैं कि अगर मैं उल्टा करता हूँ, यानी कि स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करता हूँ, तो इसका मतलब 540 एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ होगी। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो ये भी एक फैक्टर बन जाता है स्टीम इंजन में स्टीम को यूज़ करने का, कि स्टीम जब ये आपकी ठंडी होती है तो इतनी एनर्जी दे के जाती है, तो ये आपके पास एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। दैट इज़ वाई स्टीम इंजन में स्टीम को जनरली यूज़ किया जाता है, किसी और को यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही। इस वीडियो में हमने देखा कि डेफिनेशंस, वेरियस जो टर्मिनोलॉजी हैं वो क्या होती हैं। तो अगर किसी में दिक्कत है तो एक बार ज़रूर जाके उसे रिवाइज करें, एक बार ज़रूर जाके उसे अंडरस्टैंड करेंगे क्या हुआ है। ठीक है, और ये लेटेंट हीट, फ्यूजन और आपके पास स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी, सी और एस में जो कोई डिफरेंस है वो आप क्लियर कर लें, बिकॉज जेई में आपके पास जो एग्ज़ाम है उसमें कई बार ऐसा पूछा गया है कि इनफैक्ट 2-3 बार ऐसा पूछा गया है कि आपके पास पर यूनिट मास के लिए स्पेसिफिक हीट वगैरह जो है और हीट कैपेसिटी उसके रिलेशन के बारे में बात की गई है। ठीक है बच्चों, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।